3, 2, 1. यप, ये थोड़ा सा बाहर आ जा रहा है। जल तो नहीं जाएगा कि आग लग जाए। इस फोन को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको वीवो के एक और स्मार्टफोन की याद आ जाएगी, जो कि दिखने में काफी सिमिलर था, लेआउट भी सिमिलर था, जस्ट कुछ कैमरे के नंबर्स का फर्क था। अदर देन दैट कंस्ट्रक्शन नियरली वैसा ही था, और वो था गाइस वीवो V27 और 27 प्रो। इस फोन के साथ क्या हुआ था आपको तो याद हो गई, नहीं याद आया चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा हो गया था उस फोन के साथ में, अब स्लिम फोन बनाना हो, स्पेक्स भी बहुत अच्छे देने हो, तो कहीं ना कहीं तो कंपनी कॉम्प्रोमाइज करती है। फिलहाल फोन तो प्रॉपरली वर्किंग एज यू कैन सी। चलिए इस फोन को टेस्ट करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस फाइंड करते हैं। ऑलराइट, ये रहा गाइस फोन। चलिए इसको हम डिप करते हैं अपने इस यूजुअल वाटर कंटेनर में इन 3, 2, 1। यहाँ पे अराउंड 50 लीटर्स ऑफ वाटर है, क्योंकि फ़ोन के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी बढ़ा लेते हैं, लिक्विड भी बढ़ा ले रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स गाइस, ऐसे मोमेंट आ सकते हैं जहाँ आपका फ़ोन एक्सीडेंटली लिक्विड में चला जाए। IQ का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा इन टर्म्स ऑफ लिक्विड में, आज तक ऐसा कोई फ़ोन मेजरली फेल नहीं हुआ। यस, फ़ोन के अंदर लिक्विड चला जाता है, दैट्स नॉट अ बिग डील, वो तो सभी फ़ोन में चला जाता है। अगर इंटरनल्स प्रॉपरली टाइट हैं देन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फ़ोन समहाउ वहीं से ही बचता है। लेट्स फाइंड आउट, हम 5 मिनट्स का वेट करते हैं, देखते हैं क्या 5 मिनट के बाद कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है। फाइव मिनट से गाइस हमने ज़्यादा ही टेस्ट परफॉर्म कर लिया, नेवर माइंड, ऐसी छोटी छोटी हरकतें होती रहती हैं। लेट्स सी क्या ये फोन प्रॉपर्ली वर्किंग है कि नहीं है। सिम ट्रे पे बहुत फाइन, आई मीन बहुत स्मॉल सा वाटर ड्रॉपलेट है। लेट्स शेक इट। बहुत स्मॉल फाइन ड्रॉपलेट्स हैं जो फ़ोन के इनसाइड से निकली है, तो डेफिनेटली ऑन द एक्सीडेंटल सिचुएशन में फ़ोन के अंदर में लिक्विड जा सकता है। अब लॉन्ग टर्म में इसका डैमेज कितना होगा वो तो विद टाइम पता चलेगा। एंड अदर फैक्टर्स में लाइक रियर कैमरे पे भी कोई ऐसा मॉइस्चर नहीं है, फ्रंट कैमरे पे भी ऐसा कोई मॉइस्चर नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपरली काम कर रही हैं। यहाँ पे भी प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था फ़ोन को चीप बनाने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, उसमें से एक नंबर वन चॉइस होती है, वो होती है बिल्ड मटेरियल में। प्लास्टिक का फ्रेम भी है, दिस टाइम ये पेंट ऑफ कोर्स हर जगह, और आपके फ़ोन में डीपर मार्क्स पड़ जाएंगे जो कि डेफिनेटली फ़ोन के रीसेल वैल्यू को काफ़ी घटा से देते हैं। ऑन द टॉप यहाँ पे प्रोफेशनल पोर्ट्रेट लिखा है, रिमेंबर वीवो V27 में भी कुछ ऐसा ही दिखा था, इफ आई एम करेक्ट। टॉप में एक शाइनी प्लास्टिक है, और जो पोर्ट्रेट लिखा वो इनसाइड से प्रिंट किया गया, ऑफकोर्स आई थिंक ये निकलेगा भी बाहर। यप, ये थोड़ा सा बाहर आ जा रहा है, नो प्रॉब्लम। इन द बॉटम ऑफकोर्स कोई भी हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, ये स्लिम फोन है। टाइप सी सिंगल बॉटम स्पीकर यहाँ पे है, क्वालिटी ठीक ठाक है। ऑफ कोर्स ड्यूअल 5G सिम कार्ड, ये रहा सिम कार्ड, सिम ट्रे सॉरी नॉट द सिम कार्ड, ये भी प्लास्टिक का बना है। इनसाइड में ऑफ कोर्स प्लास्टिक एंड द मटेरियल, एक्सीडेंट अगर आपका सिम ट्रे बैंड हो जाता है तो क्या उस केस में ये डैमेज होगा। बाय द वे बाहर बहुत ही तूफानी बारिश हो रही है, सिम ट्रे पे ऐसा कोई डैमेज नज़र नहीं आ रहा है। वीवो एंड IQ के सिम ट्रे पहले भी काफ़ी सॉलिड हुआ करते थे और अभी भी काफ़ी सॉलिड है। कैमरे मॉड्यूल पे दोबारा वापस आते हैं और कुछ अदर फैक्टर्स पे जो करते हैं, जैसे कि स्पेशली इस कैमरे लेंस के अराउंड जो रिंग बनी है ये भी प्लास्टिक की होनी चाहिए। ओह नो, ये मेटल की है, आई मीन एल्युमिनियम, और उस पर पेंट जॉब दिया गया है।
अगर मैं इसको प्रॉपरली ऐसे स्क्रैच करता हूँ आई थिंक ये थोड़ा सा बेटर लगेगा। एंड एक्सीलेंटली यहाँ पे भी हमने स्क्रैच कर लिया। ये मॉड्यूल कम्प्लीटली प्लास्टिक का है। अब सैड पार्ट क्या है, आपने देखा कि जो बॉक्स में केस मिलता है उस पर ये पोर्शन ऑलवेज ओपन रहेगा। दैट मीन्स कीस एंड कॉइन एंड शार्प ऑब्जेक्ट भी आपके इस पोर्शन को आसानी से स्क्रैच कर लेंगे। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे डीपर कट्स पड़ते चले जा रहे हैं। अगर कोई भी ऐसे कीस एंड कॉइन इसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगी, ये श्योरली एक बैड डिज़ाइन है। यहाँ पर या तो मेटल देना चाहिए था या तो यहाँ पर भी ग्लास देना चाहिए था। सीरियसली बैड चॉइस ऑफ डिज़ाइन। ऑफकोर्स जो ऑरा लाइट है वो तो LED फ्लैश है, वो तो प्लास्टिक की ही बनेगी। बट यहाँ पे जो दो लाइट्स हैं उसको ऐसे डिफ्यूज़ किया गया है कि उसे फील होती है कि एक बिग सी रिंग लाइट है। अगर ऐसी होती तो मज़ा ही आ जाता। स्पीकिंग ऑफ द बटन्स, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ऑफकोर्स प्लास्टिक, क्या ये बाहर आते हैं? नोप। एक्सीडेंटल प्रेशर लगाने से ये तो बाहर नहीं आ रहे हैं। फोन पे एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा। काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे थोड़ा सा बिग ईयर पीस दिखाई पड़ रहा है और ये थोड़ा सा वाइडर भी फील हो रहा है। परहैप्स यहाँ पे एक प्लास्टिक मैश है। कीस एंड कॉइन से शायद इन्हें मैश नहीं हो पाएगी बिकॉज जस्ट फॉर अ ब्लेड नाइफ के लिए यहाँ पे एक ओपनिंग है। सो यहाँ पे कोई इशूज़ आने चाहिए बट विद टाइम डेफिनेटली यहाँ पे डस्ट चली जाती है। सो कॉल क्वालिटी में शायद असर पड़ सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा आउटडोर इन्वायरमेंट में काम करते हैं। एंड ऑफ कोर्स गाइस, मैं कोशिश ऑलवेज करता हूँ कि जितना भी हो सके वेस्ट को रीयूज़ किया जा सके। सो लेट्स ट्राई अगेन ईयर। यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो से जो टेप था उसको फिर से इस्तेमाल कर लिया। आई होप आप भी ये काम डेफिनेटली करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ जरूर करिए। लेट्स चेक आउट द ग्लास क्वालिटी। अगर हम डिस्प्ले साइड को टेस्ट करते हैं यूजिंग मोस्ट स्किल्स ऑफ हार्डनेस से, फिर रिजल्ट ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए। अगर ग्लास स्टैंडर्ड होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है, तो टिल द लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट लाइक प्लास्टिक एंड अदर स्टफ से भी यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए। 6 and 7 पे फाइन एंड डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स स्ट्रॉगर ऑब्जेक्ट्स लाइक टंगस्टन एंड मे बी डस्ट एंड सैंड से यहाँ पे और इंक्लूडिंग ग्लास पार्टिकल से भी इस डिस्प्ले पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। मूविंग टू द बैक साइड, यहाँ पे कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती नजर आ रही है। ऐसा बैक पैनल आपने पहले भी बहुत बार देखा है, फिर से हम देख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम स्क्रैच के पैटर्न देखें, स्पेशली ऑन दिस कैमरा मॉड्यूल, ऑफ कोर्स ये तो प्लास्टिक है तो यहाँ पे तो स्क्रैचेस आसानी से पड़ ही जाएंगे। लेकिन बैक पैनल काफ़ी एक्साइटिंग है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब पे यहाँ पे कुछ ना कुछ स्क्रैच का पैटर्न दिख रहा होगा। चलिए इसको प्रॉपरली रब करते हैं, देन फाइंड आउट करते हैं कि स्क्रैचेस कहाँ पे हैं। लाइक प्लास्टिक से तो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्क्रैच नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके ऊपर हैं 3 पे बहुत ही फाइन स्क्रैच है बिकॉज ये ऐसा टेक्सचर है कि यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन लेवल 4, 5, 6, 7 दैट मीन्स एक्सेप्ट प्लास्टिक, कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट अगर बैक पैनल के कांटेक्ट में आता है तो आसानी से वो ऐसे डीप कट छोड़ सकता है। तो क्लियरली ये ग्लास का बैक पैनल आपका स्क्रैच प्रूफ नहीं है। ऑफकोर्स आपको कोई ना कोई केस यहाँ पर जरूर यूज़ करना पड़ेगा। Let's find out ये AMOLED डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट एंड फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। अराउंड 8 सेकेंड लगे यहाँ पे डिस्प्ले को बर्न होने में, बट पिक्सल्स यहाँ पे somehow डेड से हो गए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है बिकॉज यूजली 12 से 13 सेकेंड में अच्छे AMOLED डिस्प्ले जाके परमानेंट बर्न होते हैं। आज मैंने फ्लेम भी थोड़ी सी कम रखी थी लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्प्ले बर्न हो चुका है। आई विल शो यू ऑन द वाइट स्क्रीन, तब शायद आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पॉट यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स फाइंड आउट ये फ़ोन कैसे रिस्पॉन्स करता है व्हेन इट कम्स टू द माइनर प्रेशर। मैं बहुत हैवी प्रेशर लगा भी नहीं पाता बिकॉज मेरे अब थम्स में परमानेंट सब पेन हो गया है। स्टिल लेट्स गिव ट्राई। फर्स्ट हम फ़ोन को डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। थोड़ी सी चिंगारी सी निकली थी यहाँ पे, जल तो नहीं जाएगा पक्का? कैसा ना हो कि आग लग जाए।
लेट्स फाइंड आउट ये एक्चुअली में फेल हुआ क्यों। अगर आप यहाँ पे केयरफुली देखेंगे, यहाँ पे स्लिम बनाने के चक्कर में जो वॉल्यूम बटन था वहाँ पे काफ़ी थिन फ्रेम हो गया है, प्लस यहाँ पे कैमरे का मॉड्यूल भी थोड़ा सा अलग सा बनाया गया है, यहाँ से सीपीयू स्टार्ट जाता है और यहाँ से बैटरी ख़त्म होती है। दैट्स द रीज़न ये फेल हुआ है। अब मेरा प्रेडिक्शन गाइस पहले से ही क्लियर था कि जब फ़ोन में स्पेक्स अच्छे दिए जाते हैं, प्राइस कम करना है तो ओनली प्लेस होता है बिल्ड मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज़ करना। वैसे फ़ोन ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप गलती से उसको बैक पॉकेट में रख के घूमते हैं तो बड़े ही आसानी से आपका फ़ोन टूट के बूम हो सकता है।